हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता और लुक ऑन टू कुक ऑन में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी आलू नज़ाकत, जो कि रेस्टोरेंट पे तो आप लोगों ने ट्राई किया ही होगा। आज हम इसे घर पर बनाते हैं। इसमें बनाने में थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन ये खाने में बहुत ही लजीज होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमें बड़े साइज के आलू लेने हैं। सबसे पहले हम इसको छील लेते हैं। नज़ाकत आलू बनाने में जो भी मेहनत है सिर्फ इसी प्रोसेस में है। आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसे ऊपर से काट लेते हैं, उसके बाद हम इसे अंदर से पूरी तरह से खोखला कर लेंगे। ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से आप देखिएगा, बिल्कुल आपको इसी तरह से इसको खोखला करना है। इसके लिए आपने पतला वाला पीलर यूज़ करना है। पीलर की जगह पर आप स्कूप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे बहुत ही सावधानी से करना है। आलू बाहर से फटना नहीं चाहिए और आलू के ऊपर की सतह और बाहर की सतह बिल्कुल पतली होनी चाहिए। अब हम इसमें नीचे की तरफ भी होल बना लेंगे और उसे पीछे की तरफ से भी इसी तरह से हम होल बनाकर खाली कर लेते हैं। इसमें दोनों तरफ होल होते हैं, आप चाहें तो एक तरफ भी होल करके बना सकते हैं, पर आपके लिए आसान यही तरीका होगा, इसलिए आप इसी को ट्राई करें। अब हम इसे जितना पतला हो सकता है उतना पतला कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ से ये मोटा दिख रहा है, तो हम इसे बाहर से छील लेते हैं। जिस तरफ की स्किन आपको मोटी दिखती है आप उस साइड से उसे थोड़ा सा छील लें। इसी तरीके से हमको जहाँ भी ये मोटा दिखता है उसे छिलकर पतला कर लेते हैं। सभी तरफ से एक समान होना चाहिए। अगर आपने ये प्रोसेस अच्छे से कर ली तो आपके नज़ाकत आलू बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं, बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल वाले। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए आलू। इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, नहीं तो ये बॉयल करते टाइम या तलते टाइम टूट सकते हैं। अब ये आलू के अंदर का जो पोर्शन हमने निकाला था, आप सोच रहे होंगे ये वेस्ट है, लेकिन ये वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। आलू नज़ाकत में टेस्ट इसी से आने वाला है। इसी तरीके से हम दूसरा आलू भी रेडी कर लेते हैं। अब हम एक पतीले में पानी बॉईल कर लेते हैं और उसमें एक चम्मच नमक डालकर आलूओं को 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे बॉईल नहीं करना है, ओवर कुक होंगे तो आलू टूट सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है कि हमें आलूओं को ज़्यादा बॉयल नहीं करना। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन आलूओं को एक प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा कर लेते हैं। जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक हम आलूओं से जो हमने अंदर का मटेरियल निकाला था उसे हम डीप फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। उसमें हम डालेंगे तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसे तेज आँच में तल लेंगे। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे तलना है और गैस की फ्लेम हमें तेज ही रखनी है। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाले के लिए हमने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल ले लिया है। तेल गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, करी पत्ता, लहसुन और इसे अच्छे से भून लेंगे। जब लहसुन भून जाए तो हम इसमें डालेंगे बारीक कटा प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी पत्ता गोभी, सभी को हमने बहुत ही फाइन चॉप कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और मिर्ची, जो कि हमने बहुत बारीक चॉप की है। मसाले में हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और सभी को हम मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पनीर, जो कि मैंने कद्दूकस करके डाला है। आप इसमें चाहें तो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। अब हमने जो आलू तैयार करके रखे थे उसे इसमें मिक्स कर लेते हैं। इसकी आवाज़ सुनकर ही आपको पता लग रहा होगा कि ये कितने क्रंची हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अब हम इसके लिए एक पेस्ट तैयार करते हैं, जिसके लिए हमने लिया 2 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ी चम्मच मैदा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे।
अब ये पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें आलू को अच्छी तरह डिप कर लेंगे। आलू डिप करने के बाद हम इसे इस तरह से सिलाई से उठाएंगे और इसे तिल से कवर कर लेंगे। हमने यहाँ पर तिल यूज़ की है क्योंकि ये हेल्थ के पर्पज़ से भी बहुत अच्छी होती है। तिल को हमें चारों तरफ से आलुओं में लपेट लेना है। ये देखिए, इसी तरीके से सभी तरफ से तेल से हमने कवर कर लिया है। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। डीप फ्राई करने के लिए आप लोहे की कढ़ाई यूज़ करें। अब हम इसे पलट पलट कर इसे सभी तरफ से सेक लेते हैं। ये फ्राई हो चुके हैं। इसे बहुत ज़्यादा देर तक हमें फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 3 से 4 मिनट, और इन्हें हम निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। अब हम इसमें जो मसाला हमने रेडी किया था उसे भर लेते हैं। मसाला भरते टाइम हमें ध्यान रखना है कि इसे अंदर दबाते हुए भरना है और हाथ से अच्छी तरह पकड़ना है ताकि बाहर से टूटे ना। अगर आप इसको डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिए। आप डायरेक्ट इसे तंदूर में पकाइए या फिर माइक्रोवेव में पकाइए या गैस में पकाइए, ये उतने ही टेस्टी लगेंगे जितने कि डीप फ्राई में लगते हैं। डीप फ्राई के कारण जो थोड़ा सा क्रंच ज़्यादा आता है वो बस थोड़ा सा कम आएगा, पर टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव या तंदूर नहीं है तो इसे गैस पर किस तरीके से सेकेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हम एक सिलाई में या रॉड में इसे अच्छी तरह से लगा लेते हैं। ये देखिए, गैस के ऊपर मैंने जाली रखी है जिसके ऊपर से हम इसे सेकेंगे। पलट पलट कर हम इसे सेक लेते हैं अच्छी तरह। इस तरह से इसमें एक स्मोक का फ्लेवर आ जाता है। आप इसे तंदूर में भी सेक सकते हैं। ये देखिए, ये 3 मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे बीच से कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने परफेक्टली बने हैं। अब हम इसी तरह से दूसरे आलुओं को भी कट कर लेते हैं। अब हम इसे गार्निश करेंगे, जिसके लिए मैंने ऊपर लगाया है बटर। कद्दूकस करके डालेंगे पनीर या चीज़। आलुओं को आप मैरिनेट कर भी बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब हम इसे सॉस से गार्निश कर लेते हैं। यकीन मानिए दोस्तों कि जब आप इसे परोसेंगे तो सामने वालों को बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि ये आपने बनाया है या रेस्टोरेंट से मंगाया है। तो आप इस डिश को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।